नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। कौन कौन सुनेगा? हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। अच्छा अच्छा, सुनो। आज की कहानी का शीर्षक है भेड़िया आया। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था जुगल। उसके पिताजी का खेत गांव से कुछ ही दूरी पर था। दिन में जुगल पढ़ाई करता था, माँ की रसोई में मदद करता था और थोड़ा सोता था, और रात में खेत की रखवाली करने के लिए जाया करता था, जिसके लिए उसे रात भर जागना होता था। रात को अकेले घूमते घूमते कई बार उसे बोरियत से नींद आने लगती, तो कई बार पास के जंगल से आ रही जानवरों की आवाजों से डर लगता। पर करता भी तो क्या करता, माँ और पिताजी पूरे दिन काम कर थक जाते थे, जुगल तो फिर भी दोपहर में कुछ घंटे सो लेता था। यही सोच पिताजी की मदद करने के विचार से प्रेरित हो वह हर दिन रात को अकेले अपने खेत पर पहरा देता। पिताजी की मदद करने के कारण गांव वाले जुगल से बहुत प्रभावित थे, वह उसकी प्रशंसा भी करते थे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। अकेले खाली घूमते घूमते जुगल समय काटने के लिए नित नए मन में कुछ न कुछ खुरापाती सोचता रहता था। कभी सोचता कि क्यों न सोते हुए बैलों के सींगों पर चित्रकारी कर दूं, तो कभी सोचता कि माँ की साड़ी का तंबू बनाकर उसमें मित्रों को बुलाकर खेलने का आमंत्रण दूं। पर रहते ये सब ख्याली पुलाव ही। रात के अंधियारे में भले कौन तो उसके साथ खेलने आएगा, क्या वो चित्रकारी करेगा। पर एक दिन उसे सूझा कि क्यों ना कुछ ऐसा मजेदार करूं जिससे सारे गांव वाले दौड़कर यहां आ जाएं, बड़ा मजा आएगा। इसके लिए उसने कई चीजें सोची, पर कुछ ऐसा न सूझा जिससे सारे गांव वाले आ जाएं। एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। अगली रात वह अचानक चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। लगातार जंगल से जुगल की चिल्लाने की आवाजें सुन सारे गांव वाले जाग गए और भागकर उसके पास आए। गांव वाले डंडे, मशालें व कई भेड़िये को भगाने के संसाधन लेकर बालक जुगल की रक्षा हेतु उपस्थित हो गए थे। पर जब वे खेत पर पहुंचे तो वहां भेड़िया दिखाई नहीं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने पूछा, बेटा जुगल कहाँ है भेड़िया? इस पर जुगल हंस दिया और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, रोज रात को अकेले पहरा देते देते उकता गया था, आप सबको यहाँ देखकर अच्छा लगा। अब आप जब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना आज हम कुछ खेल खेल ले। गांव वालों को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। एक बुजुर्ग जो हाथ में मशाल लिए खड़े थे, उन्होंने जुगल को समझाया, बेटा इस तरह का मजाक अच्छा नहीं है, सभी को कल काम पे जाना है, इस तरह डराकर सबकी नींद खराब नहीं करनी चाहिए तुम्हें। जुगल कुछ न बोल पाया और गांव वाले भुनभुनाते हुए वापस चले गए। पर जुगल को शायद उन बूढ़े बाबा की बात ठीक से समझ नहीं आई थी, वो तो उल्टे मन ही मन अपने इस रोमांचक दुस्साहस की सफलता से खुश हो रहा था कि उसने सारे गांव वालों को रात में इकट्ठा कर डाला। खैर कई दिन बीत गए। पहले की तरह जुगल रोज रोज नई नई खुरापाते सोचकर समय काटता रहता। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना बस एक बार और वो भेड़िया आया वाला रोमांचक अनुभव फिर से किया जाए। और बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे वह फिर चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। एक बार फिर उसकी आवाज सुन गांव के कुछ लोग बालक जुगल की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे, तो कुछ ने मजाक समझ उसकी इस आवाज पर ध्यान न दिया। फलस्वरूप इस बार कुछ ही लोग उसकी सहायता के लिए आए, पर ये क्या, पहले की तरह इस बार भी कोई भेड़िया न था। ऊपर से जुगल ठहाका लगाकर हंस हंस कर बोल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, कृपया आज तो मेरे साथ खेल लो ना। इस बार गांव वालों ने खूब अच्छी तरह से उसे डांट लगाई।
इतनी डांट पड़ने पर जुगल को थोड़ा बुरा लगा और उसने मन ही मन ऐसा खेल दोबारा न करने की ठानी। पर यह क्या, अगले ही दिन मध्य रात्रि रखवाली करते समय सचमुच उसने अपने खेत की ओर एक बड़ा सा भेड़िया आता देखा। अब तो जैसे उसके प्राण ही सूख गए, उसके पैर कांप रहे थे, कंठ से आवाज भी नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा जुगल ने मदद की गुहार लगाई। भेड़िया आया, सचमुच भेड़िया आया, मुझे बचाओ, भेड़िया आया, मुझे बचाओ। पिछले दिन के प्रकरण के बाद फिर से जुगल की आवाज सुन सभी गांव वालों को लगा कि इस बार फिर वह खेल खेल रहा है। कोई भी गांव वाला मदद के लिए नहीं आया, उनका विश्वास जो टूट चुका था। हाँ दीदी, अब जुगल का क्या होगा? होगा क्या, अपनी करनी का फल भुगतेगा। भेड़िया जुगल पर झपट पड़ा। जुगल बचने के लिए गांव की ओर भागा और उसके पीछे पीछे भेड़िया भी गांव में घुस जाता है। बेचारा जुगल लगातार भेड़िया आया कर मदद की गुहार लगा रहा था। अब जब जुगल की चीख पुकार के साथ भेड़िये की आवाजें भी लोगों तक पहुंची तो वे सभी जुगल की मदद के लिए पहुंच गए और भेड़िये को वापस जंगल में भगा दिया। हो अच्छा, तो जुगल के प्राण बच गए। प्राण तो बच गए, परंतु भेड़िये के हमले से जुगल बुरी तरह घायल हो गया। हाँ, उसे मदद जो इतनी देर बाद मिलती है, अगर उसने पहली दो बार भेड़िया आया वाला खेल कर करके लोगों को परेशान न किया होता तो आज उसे समय पर मदद मिलती और उसकी हालत भी न होती। बिल्कुल ठीक। तो बताओ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये कि हमें दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के ऐसे मजाक स्वयं के मनोरंजन के लिए नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ या परेशानी हो, नहीं तो उससे घूम फिर कर कभी ना कभी अपना खुद का ही नुकसान हो जाता है ना दीदी? हाँ ठीक कहा। आज की कहानी थी बस इतनी ही। अगली बार फिर मिलूंगी नई कहानियों के साथ। धन्यवाद धन्यवाद दीदी।